भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पहले तीन दौर का मतदान भी हो चुका है। बात झारखंड की गुड्डा लोकसभा सीट की करें तो यहां सातवें यानी अंतिम चरण में मतदान होना है। गुड्डा संसदीय सीट राज्य की सबसे हॉट सीट में शुमार है और यहां से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जीत की हैट्रिक लगाने के बाद लगातार चौथी बार मैदान में है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसे में न्यूज स्टेट संवाददाता उत्तम आनंद वत्स ने बिहार झारखंड की सीमा से सटे गांव में पहुंचे और वहां लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों की राय जानी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है लोगों का कहना और क्या है उनका मूड, आप भी सुनिए। देश में लोकसभा चुनाव जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं गुड्डा में। जी हां, ये वही गुड्डा है जो कभी विकास से कोसों दूर हुआ करता था, जहां के लोगों ने ना कभी ट्रेन देखी थी ना कभी अच्छी सड़कों का उन्हें दीदार हुआ था। लेकिन बीते 20 सालों में इस जिले का जिस तरीके से विकास हुआ है वो राज्य में किसी नज़ीर से कम नहीं है। लेकिन इस वक्त गुड्डा लोकसभा में चुनाव का माहौल है और गुड्डा लोकसभा सीट पूरे राज्य में हॉट सीट बना हुआ है। गुड्डा लोकसभा सीट से इस दफे भारतीय जनता पार्टी ने तीन बार के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को चौथी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से प्रदीप यादव मैदान में हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस बीच जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड है और जनता की वो कौन सी उम्मीदें रहीं जो इन 15 सालों में पूरी नहीं हो सकी, हम जानेंगे उनके मन की बात और टटोलेंगे उनके दिल का हाल। ये गुड्डा का बेहद ही मशहूर चौक है जिसे लोग भिखमंगा चौक के नाम से जानते हैं। ये नाम भी काफ़ी दिलचस्प है और यहाँ की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि शाम के वक्त यहाँ पे एक चौकड़ी जमती है, नुक्कड़ जमता है, जहाँ पर तमाम तरह के बहस होते हैं, लोगों के बीच बातचीत होती है, खासकर सियासत की बातें कुछ ज़्यादा होती हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त गुड्डा लोकसभा सीट पर क्या हाल है, क्या यहाँ की जनता चाहती है और क्या है यहाँ के मुद्दे। भाई साहब, वोट देंगे? जी हाँ। क्या हाल है? बहुत अच्छा। गोड्डा लोकसभा सीट पर मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान खुलेगी? मोदी की गारंटी चलेगी, इसलिए कि यहाँ के जो सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं सदन में बहुत बेहतरीन आवाज़ गोड्डा संसदीय क्षेत्र के रखते हैं। आज तक ऐसा सांसद गोड्डा लोकसभा को पहले नहीं मिला था। कम से कम अपने आवाज़ को रख सकें और इससे यहाँ की जनता बहुत खुश है और विकास की जो गति इनके आने के बाद गुड्डा में हुआ है वो काफ़ी दिलचस्प है। विपक्ष का आरोप है कि गुड्डा में जो विकास हुआ है वो सिर्फ ऊपरी तौर का विकास है, शहरी विकास है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र में रोड का आवागमन की बात हो या आपका घर घर नल जल योजना हो, ये सारी चीज़ तो बड़ी बड़ी योजनाएं हुई है। बड़ी बड़ी योजना आने से यहाँ का गुड्डा का जो मूल्यांकन है। स्वास्थ्य का क्या हाल है गुड्डा में? ठीक है, ये तो राज्य सरकार का काम है। स्वास्थ्य क्या करेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो ना देखेगा स्वास्थ्य क्या होता है नहीं होता है। इसमें सांसद महोदय क्या करेंगे? केंद्र सरकार की योजना जो है, केंद्र से जो पैसा मिलना चाहिए ये तो उसमें मिल ही रहा है राज्य को। जो जिनकी काम है उसकी जो देख रेख है, निगरानी करने को वही ना कष्ट करेंगे। जी देखिए, ये स्वास्थ्य की बात जब करते हैं तो ये बात करते हैं राज्य सरकार की, हम इनसे बात करते हैं। गुड्डा में शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा पहले से बहुत बेहतर हुई है। आगामी जब 2009 से हमारे माननीय सांसद चुनाव जीते हैं यहाँ पे, निरंतर शिक्षा का गति, यहाँ पे शिक्षा का विकास हो रहा है। आज गुड्डा में केंद्रीय विद्यालय है और अपना भवन है, अपना स्थापित किया है। आज हमको अगर गुड्डा लोकसभा की बात करें तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, नवोदय विद्यालय सुसंपन्न है, सुसज्जित है। जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI लैब, नया टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, उसका भी यहाँ पे AI लैब का बात चल रहा है। महिला कॉलेज आप देख सकते हैं, यह इसका भी विकास निरंतर हो रहा है। तो यहाँ शिक्षा का व्यवस्था माननीय सांसद के आने से, जो केंद्र का स्कीम होना चाहिए उसमें माननीय सांसद का बहुत। आपके जो महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी हैं, ये भी साल 2002 में चुनाव जीत चुके हैं और इसी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और अभी अब कांग्रेस के प्रत्याशी है। इनका आरोप है कि गुड्डा में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं, ये विकास
ऊपरी विकास है, शहरी विकास है, ग्रामीण इलाकों का हाल आज भी वही है या उनकी अगर माने तो वो कहते हैं कि और भी बदतर हुई है। देखिए कहता है हम लोग के गांव में कहावत है, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे इनको मनोबुद्धि और विद्या, इनका संगति अच्छा था, ये अच्छे बात करते थे, लेकिन जब ये अन्य दल बना करके जो विचारधारा में चले गए इनकी मानसिक विकृति बदल चुकी है, ये आप और हम स्पष्ट हैं। जो कहते हैं कि ग्रामीण विकास नहीं हो सकता, आज प्रधानमंत्री आवास योजना किनको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का स्कीम को फायदा किसको मिला, शौचालय का फायदा किसको मिला, शौचालय का फायदा सीधा महिलाओं को और इज्जत घर के माध्यम से ग्रामीण लोगों को मिल रहा है, शहर में तो लोग संपन्न थे, इनका लाभ किनको मिल रहा है? नहीं, ऐसा और क्या विकास है जो गुड्डा में होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ, ऐसा कुछ क्या है ये बताइए। नहीं, अभी तक तो सारा विकास हो ही गया है और उसका प्रारूप हर तरह से सांसद जी तैयार कर रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी आगे 5 साल के लिए बहुत सारे स्कीम भी ला रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो उनमें सभी विद्यार्थी का सही रूप से सुचारू रूप से पढ़ाई हो, या फिर महागामा में आपका 300 बेड का जो हॉस्पिटल है वो सुचारू रूप से चले, जो कि राज्य सरकार केंद्र में मोदी या राहुल मोदी ओब्वियस मोदी मोदी एक देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपसे ये बताइए केंद्र में किनकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व एनडीए की सरकार है। काम हुआ? बहुत काम हुआ, काम हो गया। अरे वो लोग को तो क्या बोलने का तो कुछ है नहीं, काम तो दिखाई पड़ रहा है ना, काम तो धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी यहाँ के लोगों ने रेल नहीं देखा था, हमारे बाप दादा मर के चले गए वो ट्रेन पे नहीं चढ़े थे, ट्रेन नहीं देखे थे, हवाई जहाज नहीं देखे थे, वो आज देख रहे हैं हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का ही आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी है उसी के तहत ये हम लोग आज देख पा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, क्या कहते हैं, विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, विश्वास कैसे विश्वास किया जाए, मेरा जब जो इसो पूरा मौका मिला था उनको, 2-3 पीढ़ी को काम करने का मौका मिला है उन लोग को, तो विश्वास के लायक वो लोग है ही नहीं, तो इसमें विश्वास की बात क्या है। देखिए यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस चुनाव में हाल। सर ये बताइए चुनाव है, वोट देंगे कि नहीं? हाँ वोट देंगे, वोट देना तो हम लोग वोट तो देंगे ही, वोट तो देना में अधिकार है। विकास हुआ है गुड्डा का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कुछ बताइए क्या विकास? तो वही रेल और रोड का विकास हुआ, ये सब विकास हुआ। स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य तो हम लोग नहीं जानते स्वास्थ्य क्या है, लेकिन उपाय उपचार कराने के लिए जाते हैं तो हम लोग सही मिलता है उपचार में, जिला माने हॉस्पिटल में। कुछ डिमांड है, कुछ मांग है, कुछ ऐसा जो कि जो विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ, जो आगे आप लोगों की उम्मीद है कि अगर हमारे नए जनप्रतिनिधि आए तो उनसे ये उम्मीद हो कि अब वो आएंगे तो हमारी इन इच्छाओं को भी पूरा करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? बोलिए। देखिए वो तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट होने के बाद पता चलेगा। नहीं नहीं, कोई काम ऐसा है जो आप लोग चाहते हैं जो काम होना चाहिए? काम तो बहुत कुछ है चाहने के लिए तो, लेकिन होता कहाँ है, थोड़ा बहुत होता है जो चल रहा है, बाधा तो लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन धरातल पर तो होता नहीं। मैं वादा टूट जाता है, धरातल पर नहीं आता है, टूट जाता की बात मैं नहीं कर सकता। छात्र से संबंधित ये भी बात है, शिक्षा की व्यवस्था करें, बढ़िया शिक्षा हो, जैसे एग्जामिनेशन होता है कैंसिल हो जाता है तो सबसे बच्चे को बहुत तकलीफ है, गार्जियन को भी तकलीफ है। और पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं? हाँ होता ही है, और क्या, और सब तो जो हो रहा है वही रहा है। जी हमारे साथ देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पेपर लीक। भाई साहब एक बार बताइए पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है?
पेपर लीक का मुद्दा आज देख रहे हैं कि सभी जगह मतलब एक व्याप्त मुद्दा बन गया, और झारखंड में जैसा बोला जाए यहाँ पे जो भी मतलब जेएसएससी एग्ज़ाम करा रही है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्या है कि कुछ ना कुछ पैसा लेके इधर से उधर से, मैंने पीजीटी खुद दिया था और जब एग्ज़ाम दे के आया तो मेरा अच्छा 110 नंबर आया। केंद्र सरकार ने भी नौकरी देने का वादा किया था, रोज़गार का वादा किया था, फिर से चुनाव हो रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भुक्तभोगी हैं आप, तो आपकी कुछ उम्मीदें होंगी ना? देखिए मोदी जी का जो भी है वो केंद्र सरकार वैकेंसी आ रही है, रेलवे में वैकेंसी देखिए अभी भी चल रही है और भी वैकेंसी आने वाली है। केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में अभी भी भर्ती चल रही है और भर्ती हो रही है। तो जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है 30 लाख रोजगार देंगे वो सरासर झूठ है। 70 साल हो गए कुछ नहीं मिला युवाओं को, पूरा का पूरा ठग लिया युवाओं को, क्या किया वो सब देख रहे हैं, वो बताने की बात नहीं है। मोदी जी का 10 साल आज जनता देख रही है और मोदी जी फिर से आएंगे। जो कांग्रेस आज मैनिफेस्टो में ये जारी कर रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, झारखंड में महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ है, क्यों पेपर लीक का घोटाला आज हो रहा है? क्यों नहीं आप जब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, युवाओं को ठगते हैं, उनका राशि लेते हैं, तो क्यों नहीं ज्वाइनिंग तक जाता है, क्यों पेपर लीक हो जा रहा है? आपको इसका भी जवाब देना होगा, कहीं ना कहीं हम महागठबंधन की सरकार है तो इसका जवाब पहले देना होगा। ये लुभावना, ये युवा जाग चुकी है, युवा शिक्षित है, संपन्न है, इस लुभावने में नहीं आना है। केंद्र की आप बात कर रहे हैं तो केंद्र में आज इतनी स्कीम चल रही है युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इससे युवा लाभान्वित है। आपको पता होगा भगैया में सिल्क का काम चल रहा है, क्लस्टर बनाकर युवा लाभान्वित है। यहाँ पे एक आदि मुस्लिम का गाँव है, वहाँ फौजी का ड्रेस बनता है, यहाँ से वहाँ सेंट्रलाइज होता है, तो युवा कहीं ना कहीं लाभान्वित है। अपने महागामा जैसे जगह पर एक बात बताइए, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट भी बना, लोकल को कितना लाभ मिला? 85% यहाँ के स्थानीय युवा नौकरी कर रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय युवा इसे पूरी तरह लाभान्वित। 85% की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 85% है। और मुझे यह गर्व है कि यहाँ का एक ऐसा सांसद है जो यहाँ पर अडानी पावर प्लांट लाया है, प्लास्टिक पार्क लाया, सीमेंट फैक्ट्री लाने की बात कर रहा है और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। औद्योगिकरण जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पर रोजगार में भी इजाफा हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है और यहाँ के युवा उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, कुछ गांव की महिलाएं हैं जो यहां खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे, पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनके मुद्दे। वोट दीजिएगा इस दफे आप लोग, वोट देबो, वोट। हां तो वोट देबे ना, वोट देबो। हां जी, सब ठीक घर लो छे, काम धाम सब ठीक छे? ठीक कौन जी, हमरा नहीं कहां कुछ मिले, कुछ नहीं की मिले हमरा से, वोट तो दर देवे करबे लेकिन मिला है कहाँ कुछ। अबरी के मोदी की राहुल आवत देखो जकरा जकरा जखनी टाइम है तो तखनी सोचबे। ये महिला वोटर हैं, ये बड़े ही आराम से इस बात को कबूल करती हैं कि वोट तो ये देंगी लेकिन जब बात विकास की होती है तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो अपने जहन में छिपा कर रखती हैं। हम अगले अंक में कहीं और मिलेंगे, जनता से बात करेंगे, उनके दिल को टटोलेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस एपिसोड को देते हैं यहीं विराम। उत्तम अनवर्स, न्यूज़ नेशन, गोड्डा।